Sutra number 1.14. Satu dīrghakāla nairantarya satkārāsevito dṛḍha bhūmiḥ. ये सेकंड सूत्र भी अभ्यास के ऊपर है. तो अभ्यास कैसे होना चाहिए ये पतंजलि ने बताया, और ये एकदम इम्पॉर्टेंट सूत्र है. ये सूत्र अगर हमने हमारे लाइफ में यूज़ किया, अगर वो एजुकेशन में हो, या अगर हमारे करियर में हो, या हमारे पढ़ाई में हो, या हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हो, किसी में भी जब हमने ये सूत्र यूज़ किया तो हम उसके गोल तक हम पहुँच सकते हैं, ये गारंटी है. तो अभ्यास कैसा होना चाहिए? सतु दीर्घकाल, ये लंबा तक चलना चाहिए. अगर हम योग का भी अभ्यास करते हैं तो ये दीर्घकाल मतलब बहुत लंबे तक इसे हमें खींचना है. अगर हम बिजनेस भी करते हैं तो एक ही चीज़ बहुत टाइम तक करना है, दीर्घकाल, नैरंतर्य. और दीर्घकाल ही सिर्फ नहीं करना है कि निरंतर भी करना है, रोज़ करना है, हर वक्त करना है. तो हमारा दिमाग अगर एक ही प्रोफेशन या एक ही बिजनेस में हमने कंटिन्यूस लगाया तो फिर वो होता है निरंतर्य. तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही. तो अगर मैं योग कर रही हूँ और सत्कार सेविता से नहीं कर रही हूँ, सत्कार सेविता मतलब उसे प्यार से करना है कि अरे बाबा मुझे सिर्फ आना ही है इधर, ये करना ही है, ऐसा अगर मैं माइंड में उसके खिलाफ दुख मना के चल रही हूँ और कर रही हूँ तो फिर उसका गोल मुझे नहीं मिलेगा. तो उसे प्यार से, एकदम भक्तिभाव से, एकदम उसकी तरफ सरेंडर होके, लव से अगर जब मैं करूँगी वो काम, तो कैसे है अभ्यास? तो वो अभ्यास होगा. तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही. जब हम उसे सत्कार सेविता के साथ करते हैं, दीर्घकाल निरंतर या प्लस सत्कार सेवितो, एकदम उसे प्यार से करते हैं, तभी वो चीज़ जो है वो दृढ़ भूमि होती है, मतलब वो चीज़ फर्म होती है. जैसे हमने पहले कहा है कि हमारे हाथ में तो सिर्फ काम करना है, उसका फल तो हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से फल तो चेंज होगा, लेकिन सफलता जो है वो बहुत टाइम, बहुत मेनी टाइम्स जो है वो इसी पे निर्भर होता है कि दीर्घकाल हो, निरंतर हो और सत्कार सेविता हो. अगर ये हम बचपन में अगर हम ये सीखते हैं कि ये तीनों चीज़ जो है होता है, नॉर्मली हम लोग दीर्घकाल और निरंतर करते हैं, लेकिन कोई कहता है इसके लिए हम लोग करते हैं, ये खुद से हमारे दिल से नहीं आता है. इसके लिए जो थर्ड एस्पेक्ट जो है अभ्यास का, वो नॉर्मली हमसे जो है वो छूट जाता है. तो जब अभ्यास दीर्घकाल निरंतर्य और सत्कार सेविताओं के साथ होता है, तभी वो अभ्यास जो है वो दृढ़ भूमि होता है. तो आज का सूत्र है सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है, दृढ़ भूमि ही. ये MBA का जो सक्सेस मंत्र है या फॉर्मूला है, इसे हम लोग ये सूत्र जो है पतंजलि का 1.14 उसे ले सकते हैं.